वहाँ पे सब पॉइंट्स लेके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा रोलिंग चल रहा है, थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है वेसल में, इसके लिए आपको वीडियो थोड़ा ऐसा शेकी वाला मिलेगा। सो आई होप आप लोग समझ सकते हो, वेसल पे हूँ सो क्लियर वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और फायर ऑन कहाँ कहाँ पे लेना है और कहाँ कहाँ पे लेना चाहिए, एबीज लोग जो भी रहते हैं और फायर ऑन कितने टाइम पे रहते हैं, वो सभी भी चीज़ें मैं आपको फायर ऑन लेते टाइम बता दूंगा। और नॉर्मली जो भी वेसल से उस पर फायर राउंड जो भी एबी लेते हैं, ऐसे डिवाइस नहीं है वहाँ पे, सो वहाँ पे फायर राउंड लेने के बाद फाइनली रिपोर्ट करना रहता है ब्रिज पे कि यस फायर राउंड टेकन ऑल ओके। एंड मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, मैं ऑलरेडी फायर राउंड ले चुका हूँ, मैं अभी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो अपने ऑफ टाइम में बना रहा हूँ आपको जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए। सो ये डिवाइस से हम लोग सेकेंड टाइम भी फायर राउंड ले सकते हैं, सो मैं अभी आपको फायर राउंड लेके दिखा रहा हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फायर राउंड की ओर, सो स्टे ट्यून। सो फिलहाल हम लोग फायर राउंड लेने के लिए जाएंगे जिम्नेशियम में। जिम्नेशियम में भी कुछ इस टाइप का फंडा है कि आपको जो भी ये चीज़ें हैं वहाँ पे सब देखना है। फायर राउंड लेना है मतलब ओनली ये लेके नहीं जाना है हम लोग को, पूरा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे डंबल्स एक्सेट्रा जो भी सामान है वो देखना है, क्योंकि कोई यूज़ करके गया और लास्ट में जो भी लाइट्स है वो स्विच ऑफ कर लेनी है। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया, देन आपको नेक्स्ट आपका जो भी पॉइंट है उसके ऊपर जाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे लॉन्ड्री। लॉन्ड्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या रैग्स एक्सेट्रा या फिर आपके जो क्लॉथिंग वगैरह रहते हैं वो सब रहता है, सो वो सभी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। देन मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ अपने सेकेंड सब ऑफ पॉइंट्स की तरफ। अभी थोड़ा रोलिंग भी चल रहा है वेसल पे, सो थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हमारा हो गया क्रू मेस रूम। क्रू मेस रूम में एक्चुअली इसलिए लेना है हम लोगों को ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका सामान वामान है वो सही है या नहीं, वो सब थोड़ा नज़र आपको लगाना है। जैसे ये पेंट्री हो गया, इसमें जो भी आपका सामान एक्सेट्रा है वो थोड़ा देख लेना है कि सब क्लियर है या नहीं। देन अगेन सेम ऐसे ही चीज़ है, यहाँ पे भी लाइट आपको ऑफ कर लेना है। और नेक्स्ट में आपको ले चलता हूँ सेम दूसरे ऐसे ही रूम मेस रूम में, और ये ऑफिस मेस रूम है। तो यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही राउंड लेना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियरली देख लेना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे रिक्रिएशन रूम की तरफ। यहाँ पे देख रहे हो आप लाइट्स वगैरह ऑफ करके गए हुए हैं, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये से सब फायर राउंड्स आपको लेना है। ये से ही नॉर्मली आपके जो भी है लाइट्स वगैरह आप वापस ऑफ कर लोगे। स्पेशली फायर राउंड्स एवरी वॉच के बाद लिया जाता है, जो भी वॉच है आफ्टर 6 o'clock इवनिंग के बाद, मॉर्निंग 6 o'clock तक जो भी वॉच है उसके बाद लिया जाता है। और स्पेशली लाइक 8 o'clock सेकेंड फायर राउंड विल बी एट 0000 आवर्स,
midnight. Third fire round will be at 0400 hours early morning. So ये तीन fire round compulsory है. And fire round specially common places में लिया जाता है और alleyways वगैरह में देखा जाता है, just because of rolling, pitching and any other electronic device or maybe and just because of cigarettes and all this. So ये सबसे बड़ा fire hazards है, cigarette etc. So normally common places जो भी है, जो designated है place, वहीं पे ही पीना चाहिए. एंड जो लॉन्ड्री एक्सेट्रा हो गया, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, हमारे मशीन्स वगैरह, उसके लूज कनेक्शंस, पानी या कुछ एक्सेट्रा की वजह से भी फायर हो सकता है, बिकॉज क्लोथ्स एक्सेट्रा वहाँ पे रहता है, देन प्रॉब्लम हो सकता है. सो फाइनली हम लोग हमारे लास्ट डेक पे पहुँच गए हैं, जो कि एलिवे ई डेक है. एंड देन यहाँ से हम लोग को डिवाइस हैंड ओवर करना है टू ब्रिज. सो ब्रिज में मोबाइल एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड है, सो हम लोग भी मोबाइल लेके नहीं जाएंगे. सो मोबाइल ड्रॉप बॉक्स इज हियर.